नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R9 भारत। अब आप R9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ R9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें। बालूमा थाना अंतर्गत भगैया पंचायत के केरी गांव के हिंगवार जंगल, जो चंदवा वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आता, शुक्रवार के मध्यराती करीब 9 बजे 16 हाथियों का झुंड आतंक मचाते हुए चरकी देवी को अपने चपेट में लेते हुए मौत के घाट उतार दिया। चरकी देवी की उम्र 65 वर्ष बताई जा रही है। मृतक के पति साबना भगत ने बताया कि हाथी पिछले एक सप्ताह से यहां के जंगलों में अपना डेरा जमाए हुए हैं। शाम होते ही हाथियों का दल गांव की तरफ बढ़ता है और फसलों के साथ ही घरों को नुकसान पहुंचाता है। जानकारी के मुताबिक हाथियों ने अब तक 5 से 6 घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। मृतिका के पति ने आरोप लगाया है कि वन विभाग की लापरवाही से मेरी पत्नी की जान गई है। घटना की सूचना वन विभाग और बालूमाथ पुलिस को दे दी गई है। मौके पर वन विभाग के वनपाल राजेंद्र प्रजापति, वन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष प्रफुल्ल पांडे, मुखिया योगेश्वर उरांव, ग्राम प्रधान विजय यादव, मार गंगलोया पिकेट प्रभारी पारसनाथ प्रसाद दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए लातेहार भेज दिया। 20 हाथियों का दल पिछले एक वर्षों से चंदवा वन क्षेत्र एवं बालूमाथ परिक्षेत्र में अपना डेरा जमाए हुए हैं। वन विभाग ने अब तक हाथियों को यहां से खदेड़ने का कोई सफल प्रयास नहीं किया। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग को सूचना देने पर कभी समय से नहीं पहुंचते हैं। मौके पर भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष लक्ष्मण कुशवाहा, सांसद प्रतिनिधि रामदेव साव एवं सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे। मेरा नाम जोगेश्वर उरांव हूं, भगैया पंचायत का मुखिया हूं। आज का घटना क्या है? आज का घटना केरी में पड़ता है, नदी किनारे सोना भगत का जो पत्नी थी उसको मार पूरा ही कर दिया, कुचल दिया है और पूरा घर ध्वस्त भी कर दिया है। यह सब करीबन 15 दिन से यहीं रह रहा है। हम फॉरेस्ट के और DFO भी बात किए थे कि यहाँ से हटवा दीजिए, लेकिन 2-3 दिन तो आए थे लेकिन फिर पूरा से यहाँ हट नहीं पाया। और आज तुरंत में यहाँ रात में करीब वही 7-8 बजे लगभग यहाँ घटना घटा दिया। आप फॉरेस्ट से क्या मांग करते हैं? हम फॉरेस्ट से, हम जनता सब यही मांग करते हैं कि इसको उचित मुआवजा मिल जाए और आइंदा ऐसा इस अगल बगल उसको कहीं है तो उसको लेके चल जाए, कहीं दूसरे यहाँ पार कर दे। ठीक है, 3 लाख 15 दिन बाद चलिए ठीक है। कहाँ है मतलब काम नाम था? ये पैसा रख तू, मिला दीजिए मुखिया जी, मिला दीजिए, मिलो वाला ले ले, उसको एक बार मिला दे। जानियन आदमी है, पैसा है ना, वो उठाइए, ज्यादा लेट अप करने को फायदा नहीं है। लेकिन हाथी जो है से उधर से दाब देता है, फिर आ जा रहा है यहीं पे घूम घूम। आप लोग भगाने का क्या काम कर रहे हैं? हम भगाने का बहुत प्रयास कर रहे हैं, रात दिन एक किए हुए हैं। सबका तबीयत खराब हो रहा है, हम लोग का सब बीमार पड़ रहे हैं। हम लोग रात दिन भागा रहे हैं, दिन रात चैन हम लोग को नहीं। ठीक, आपका नाम क्या हुआ? राजेंद्र प्रजापति। आप क्या हैं? बनपाल। अच्छा, क्या घटना है आज का? आज घटना है कि इसका घर ढा दिया एक आदमी को, उसको छत पे लाश कर दिया हाथी मार के। इस पर आप क्या संज्ञान लिए हैं? संज्ञान अभी तो इसको पोस्टमार्टम के लिए लातेहार भेजेंगे। उसके बाद? इसके बाद अभी फिलहाल जो सहायता राशि है, मृतक के आश्रित को क्या मिलेगा? अभी सहायता राशि जो फिलहाल देना है वो हम दे रहे हैं और आगे और मिलेगा 2-4-5 दिन के अंदर। इसके बाद पूरा कागजात तैयार हो जाएगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सब सारा रिपोर्ट तैयार करके लाएगा लोग, तो 3 लाख रुपये और मिलेगा, कुल मिला के 4 लाख रुपया इसको मिले। R9 भारत के लिए प्रफुल्ल पांडे की रिपोर्ट बालूमाथ से। तहरसी प्रखंड के अंतर्गत सैलरी पंचायत के सैलरी गांव में लक्ष्मी सहायता समूह जन वितरण प्रणाली की ओर से सभी कार्ड धारियों को स्पष्ट रूप से राशन नहीं वितरण करने के कारण जनता पूरा आक्रोश में है। सैलारी गांव के जनता का कहना है कि ना ही सही से राशन, ना ही सही से किरासन तेल, ना नमक, ना चना वितरण कर रहे हैं। मांग करने पर लक्ष्मी सहायता समूह की ओर से कार्ड को फेंक दिया जा रहा है। जन वितरण प्रणाली का कहना है कि इतना ही आया है। वहां की जनता का कहना है कि अगस्त माह का फ्री राशन अभी तक नहीं दिया गया, पूरा का पूरा राशन घोटाला करने की कोशिश की जा रही है। हमेशा राशन देर से बांटा जाता है तथा वहां की जनता ने नाराजगी जताई और कहा कि हम सभी ने उच्च अधिकारियों से मांग करता हूं कि लक्ष्मी सहायता समूह जन वितरण प्रणाली को हटाकर किसी अच्छे जन वितरण प्रणाली में हम सभी का राशन कार्ड को सौंपा जाए ताकि हम सभी को सही एवं पूर्ण रूप से राशन मिल सके। मिलता है
समय समय से? मिलता तो है लेकिन एक महीना के पीछे मुफ्त वाला राशन नहीं मिल रहा है। मुफ्त वाला राशन नहीं मिल रहा है? सरकार जी चना कभी मिल भी नहीं किया। चना कभी मिल भी नहीं करता है? अच्छा, तेल कभी नहीं देती है? मतलब कि राशन तेल भी नहीं देती है? अच्छा, मुंह देख के आदमी को 4.5 किलो इस तरह। अच्छा, मुंह देख करके किसी को 4.5 केजी, किसी को 5 केजी दे देती है। मतलब जो बोलता है उसको 5 केजी दे देता है, जो नहीं बोलता उसको 4.5 किलो देता है। यही समस्या है ना? 5 केजी मतलब वो डीलर से आप खुश है कि ना खुश है? ना खुश है ना। चलिए तो ये बताइए कि आपको कहाँ मिलता है राशन? अच्छा, लक्ष्मी समूह स्वयं सहायता। तो क्या आपको राशन समय समय से मिलता है? समय से महीने महीने देता है लेकिन ये एक महीना लेप्स करके चल रहा है। अच्छा, एक महीना लेप्स फ्री वाला मैंने सब घोलमटोल कर दिया। क्या किरासन तेल मिलता है आपको? किरासन तेल नहीं मिलता। चना? चना भी कभी। नमक? नमक मिलता है कभी कभी, मैंने नमक देती है। तो आप हमको ये बताइए कि उनसे नहीं मांगते हैं आप? मांगते हैं तो कहता कि अभी ड्राफ्ट नहीं हुआ है। अच्छा, एक आदमी का कितना राशन देते हैं? 4 किलो या 4.5 किलो या 5 किलो? 5 किलो। जनता को संतुष्ट। क्या नाम है भी आपका? मेरा नाम अजय शर्मा। कौन सा पंचायत में घर है? सिलारी पंचायत। मुखिया क्या है? मनोज कुमार ने। अच्छा, और डीलर? यहाँ के डीलर हम लोग जो है लक्ष्मी सिंह सहायता समूह। समूह जी। ये बताइए कि जो आप लोग का राशन कितना कितना मिलता है? 5 केजी देते हैं। 5 केजी देते हैं। क्या समस्या है? कुछ समस्या है? समस्या है कि यहाँ हर एक महीना क्रॉसिंग तेल जो है वो ड्राफ्ट नहीं करते हैं। जो ड्राफ्ट सरकार का नियम है कि 24 रुपया कुछ पैसा या 26 रुपया कुछ पैसा, इस नियम से या इस दर से पैसा मतलब राशन तेल हम लोग क्रॉसिंग तेल नहीं देता है। महीने महीने राशन देते हैं समय पर? हाँ, समय से देते हैं। अभी जो फिलहाल पिछला मंथ जो कोरोना काल का जो चना था वो हम लोग गमन कर दिया, और अभी एक महीना का हम लोग फिर से जो मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि जो था, सॉरी मुख्यमंत्री जो चावल था वो हम लोग ने। अच्छा, नहीं मिला? आइए इधर आइए। क्या नाम है आपका? क्या नाम है भी आपका? करण शर्मा। आपका घर कहाँ है? सलारी पंचायत मुखिया। मनोज कुमार शर्मा। मनोज कुमार मासो। अच्छा, और आपका राशन कहाँ मिलता है? लक्ष्मी समूह सहायता। लक्ष्मी समूह सहायता। आपको क्या राशन समय से मिलता है? समय से नहीं मिलता है, एक महीना का सबका गमन का हिसाब में चल रहा है। और मेरा 6 यूनिट है तो 5 यूनिट का देता है, 1 यूनिट का ऐसे भी रहता है। तो क्या बोलती है? बोलती है तो मैं गया एक बार लेके तो बोल रही है कि तुम ये निकाल के लेके आओ। क्या क्या निकालता है? ऑनलाइन मतलब निकाल के आओ? हाँ, तो मैं बोला कि मेरा जब वहाँ से आमंत्रण हो गया है राशन तो आप लोग क्यों नहीं देते हैं? तो क्या बोलता है? बोलता है कि नहीं हुआ है, तुमको जहाँ जाना है। तुमको जहाँ जाना है मैंने धमकी दे के भेजा देती हूँ। मैं बोला था कि क्या किरासन तेल मिलता है? किरासन तेल भी नहीं मिलता। चना मिलता है? चना तो मिलवे नहीं किया। अच्छा, कभी नहीं मिला है ना। और क्या शिकायत है उनसे, डीलर से? नखुश है, यही सब लेके इन लोगों के बात से नखुश। मतलब इन लोगों को बहुत नौटंकी है? बहुत। चलिए, बहुत। कितना राशन मिलता है? किरासन तेल मिलता है? राशन कहाँ मिलता है? लक्ष्मी समूह सहायता। ये बताइए कि हर महीने महीने राशन देती है? हर महीने देती है लेकिन महीने लेप्स है। एक महीने के लेप्स कर देती है? मतलब आप उनसे मतलब नाराज है? सही से मतलब नहीं दे रही? यही ना। अब चना जो है नहीं मिला। अच्छा, चना भी नहीं मिलता है। क्या नाम है भी आपका? विनय कुमार शर्मा। तो जोर से बोलिए। विनय कुमार शर्मा। कहाँ मिलता है आपको राशन? छानी इसके पास। R9 भारत के लिए सीताराम सोनी की रिपोर्ट, तहरसी थाने से। पांडु प्रखंड के करमढ़ी ग्राम में आज जल यात्रा के साथ शुरू हुआ 24 घंटे का अखंड कीर्तन। अखंड कीर्तन का कार्य पांडु प्रखंड क्षेत्र के श्रद्धालुओं के द्वारा तन मन धन से लगकर किया जा रहा है। मुखिया प्रियंका सिंह की माने तो यहां की परंपरा है कि जब क्षेत्र में वर्षा नहीं होती तब भगवान देवराज इंद्र की पूजा की जाती है। देवराज इंद्र की पूजा करने के पश्चात वर्षा होने लगती है। यह परंपरा वर्षों पुराना है जिससे कि किसान अपने खेतों में अच्छी फसल की उपज के लिए करते हैं। इस पूजा से क्षेत्र के किसानों में खुशी का माहौल बना हुआ है तथा लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं। जल यात्रा और अखंड कीर्तन का कार्यक्रम आचार्य श्री श्री 1008 स्वामी विष्णु चरित महाराज के निर्देशानुसार किया जा रहा है। मौके पर सतीश कुमार पांडे, उमेश सिंह, आनंद सिंह, अरविंद सिंह, सुधीर कुमार सहित मीडिया प्रभारी मनोज सिंह उपस्थित थे। श्री राघवेंद्र आचार्य जी के तत्वाधान में 50-60 वर्षों से हमारे गांव हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं और अब हमारे द्वारा किया जाता है। प्रत्येक वर्ष जब बारिश नहीं होती है तो उसके लिए हम लोग ये पूजा पाठ करते हैं।
करते हैं, अखंड का आयोजन किया जाता है ताकि वर्षा समय से हो। और कितने घंटे का अखंड कार्यक्रम चल रहा है? 24 घंटे। 24 घंटे। और इसे अखंड होने से क्या बने, क्या आप लोग का जैसे गांव का क्या प्रभाव? अभी तक माना गया है कि जब भी अखंड होता है तो वर्षा अच्छी होती है, फसल अच्छी होती है। कब से शुरू है कार्यक्रम? कल से शुरू है। जो कि प्रमाण भी मिला, जिसका प्रमाण भी मिला कि कल भूमि पूजन किया, भूमि पूजन हुआ। कल भूमि पूजन था, जब कल भूमि पूजन हुआ उसके बाद वर्षा हुई, तो ये प्रमाण भी है। किसान गदगद है हम लोग, और जिससे किसान खुशी का भी माहौल है, और आगे भी उम्मीद है कि 24 घंटे अखंड हो रहा है तो उसके बाद वर्षा हो सकती है। में इलाके के सभी और जल यात्रा आज निकाला गया, जिसमें हमारे प्रखंड के सभी ग्रामवासी थे, और इसका आयोजन किया गया जिसमें काफी सैकड़ों मात्रा आप में इस पंचायत के मुखिया है ना जी? क्या नाम हुआ आपका? पांडुक पंचायत। मेरा नाम प्रियंका सिंह है। R9 भारत के लिए अनिल शर्मा की रिपोर्ट, पांडू से। पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। वहीं पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किसपोट्टा ने प्रेस वार्ता बताया कि सूचना के आधार पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पडहरवा के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन कर त्वरित कार्यवाही करते हुए पेशेवर तरीके से ताजमहल थाना क्षेत्र के कन्हैया स्थान रहने वाले अपराधी गौतम कुमार मंडल को एक देसी कट्टा, 2 गोली के साथ पुलिस छापामारी दल ने गिरफ्तारी करने में बड़ी सफलता हासिल की है। इस समय रंगा थाना कांड संख्या के तहत आर्म्स एक्ट दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। हाँ सर, कल दिनांक 3/9/2021 को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई, जिसके आलोक में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बराड़पा के द्वारा एक टीम गठित की गई और छापामारी दल तैयार किया गया, और इस छापामारी दल ने एक अवैध हथियार के साथ गौतम कुमार को गिरफ्तार किया, जिसके पास से एक देसी पिस्तौल और 2 कारतूस बरामद किए गए। इसका पूर्व आपराधिक इतिहास रहा है, और इसको पकड़ने में टीम ने पेशेवर तरीके से काम किया, सभी बधाई के पात्र। धन्यवाद। इसके साथ एक और था, बोल देते हैं सब पहुँचा नहीं। ये कल ही बड़ोरवा थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना मिली कि अवैध गांजा और शराब की बिक्री हो रही है, जिसके लिए बड़ोरवा SDPO के ही नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और छापामारी कर विभिन्न होटलों से करीब 103 ग्राम गांजा काटने के कटर और विभिन्न ब्रांड के कुल 35 बियर और शराब बरामद किए गए, जिसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई। इस टीम ने भी बेहतरीन काम किया है, ये सभी बधाई के पात्र। R9 भारत के लिए सहेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट, साहिबगंज झारखंड। निदेशक श्री ए दौडे ने महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के द्वारा आयोजित पोषण माह 2021 के कार्यक्रम में शामिल हुए स्वस्थ शिशु के बीच स्वच्छता किट का वितरण किया एवं गर्भवती महिलाओं के बीच गोद भराई का कार्य किया गया। साथ ही बच्चों के बीच अन्न प्राशन कराते हुए शिशु का मुंह जूठा किया गया। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत सेल्फी ली पोषण रथ रवाना करते हुए जिले के आमजनों को पोषण के प्रति जागरूक करने का भी कार्य किया गया। उपायुक्त सिमडेगा श्री सुशांत गौरव ने निदेशक महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड के श्री ए दौदड़े को बुकेट देकर स्वागत किया। राष्ट्रीय पोषण माह सितंबर 2021 मातृ वंदना योजना सप्ताह के जिला स्तरीय कार्यशाला का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। मातृ वंदना योजना सप्ताह 1 सितंबर से 7 सितंबर 2021 तक मनाया जाएगा। उन्होंने आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को बताते हुए कहा कि सिमडेगा जिले में काफी अच्छा काम हो रहा है, हमारी शुभकामनाएं रहेंगी। उन्होंने स्थानीय स्तर पर जो समस्याएं हैं के निराकरण से भी अवगत कराते हुए कहा कि विभाग के द्वारा इस दिशा में कार्यवाही की जा रही है, आगे भी की जाएगी। बाकी राज्य की तुलना में राज्य में कुपोषित एवं एनीमिया ग्रस्त बच्चे ज्यादा हैं, इसे दूर करने में सरकार के द्वारा कार्य किया जा रहा है। जिले के सभी 965 आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रत्येक बच्चे के लिए अंडे की सुविधा बहाल भी प्रक्रिया है। जल्दी पौष्टिक आहार अंडा आंगनबाड़ी के बच्चों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सरकार की कल्याणकारी योजना है। उन्होंने सेविका सहायिका को समझाते हुए कहा कि बच्चे के टीका पूर्ण होने पर लाभार्थी को प्रधानमंत्री मातृ वंदना की तीसरी किस्त देना है। सुकन्या योजना के तहत बालिकाओं को योजना का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। शिक्षा स्वास्थ्य TSLPS से समन्वय स्थापित करते हुए योजना के तहत जोड़ने की बात कही। उन्होंने योजना के तहत सभी गरीब बच्ची को लाभ दिलाने की बात की। उन्होंने आगे कहा कि जिले में काफी अच्छा कार्य
हो रहा है, इसलिए मैंने सोचा सिमडेगा आकर इसे और प्रोत्साहित करेंगे। उन्होंने उपायुक्त से कहा कि जिले के आंगनबाड़ी में मनरेगा के तहत कन्वर्जन करते हुए किचन गार्ड निर्माण करने की बात कही। उपजाए गए पौष्टिक आहार स्थानीय धार्त महिला एवं केंद्र के बच्चों को खिलाएं। उन्होंने कहा कि आज के बच्चे कल का भविष्य, इसलिए जिले को 100% कुपोषण मुक्त बनाना है। सरकारी भवन में संचालित प्रत्येक आंगनबाड़ी में पानी, बिजली एवं साफ सफाई अवश्य रखें। राज्य में लगभग 37,000 आंगनबाड़ी सरकारी भवन में संचालित है। फेज वाइजेस पूरे राज्य में सरकारी भवन में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र हेतु अलग भवन निर्माण की कार्यवाही की जा रही है। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में गैस चूल्हा एवं बर्तन उपलब्ध कराए जाने की बात कही। सेविका सहायिका के द्वारा पौष्टिक भोजन की हरी सब्जी का भेष में तैयार हो नृत्य की प्रस्तुति के साथ ही लोगों को पोषण के प्रति जागरूक किया। वहीं खनिज, प्रोटीन, आयरन, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट आहार से बने रंगोली पोषण को आकर्षित कर रहा था। निदेशक को उपायुक्त ने झारखंडी सॉल उड़ाकर सम्मान दिया। वहीं झारखंडी कमीज एवं जैकेट भी भेंट किया। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी श्रीमती रेणु बाला ने जिले में उपजाए गए मड़ुआ से बने केक भेंट किए। सहायक निदेशक श्रीमती सुमन प्रसाद को मड़ुआ केक आंगनबाड़ी सेविका के द्वारा प्रदान किया गया। उक्त कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी, चिकित्सा पदाधिकारी, CDPO, महिला पर्यवेक्षिका, तेजस्विनी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका उपस्थित थी। सभी दीदी लोग और मीडिया मित्रों को सभी को मेरा जोहार। हम लोग ये पूरा सितंबर माह में पोषण माह का हम लोग उत्सव मनाते हैं। ये पहला माह जो है प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत मना रहे हैं। मैं सभी दीदी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सिंधे के जिला में काफ़ी अच्छा काम हो रहा है और पूरा राज्य में भी हम लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इसी सिमडेगा को, मेरा छोटा भाई जैसे हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और उनको मैंने काफ़ी दिन से मैं जानता हूँ, सिमडेगा जिला में काफ़ी अच्छा काम हर क्षेत्र में वो कर रहे हैं। मैं मेरा शुभकामना रहेगा उनके साथ। और हम लोग जो लोकल लेवल पर जो इश्यूज है हम लोग भी अवगत हैं और उसको निराकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे राज्य में कुपोषित बच्चे और अनेमिक महिला एवं किशोरी बच्चे ज़्यादा हैं बाकी राज्य की तुलना में। इसको दूर करने में राज्य सरकार ने काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। हम लोग जैसे आप लोग जानते हैं बहुत ही जल्दी हम लोग पूरा राज्य में अंडे का प्रोविजन किया जा रहा है हर एक आंगनबाड़ी में हर एक बच्चे के। और जो पौष्टिक आहार जो बेटे वो ड्राई रेशन चल रहा है उसको भी बहुत ही जल्दी हम लोग न्यूट्रिशन फूड डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रक्रिया जारी है। और मातृवंदना योजना में जो समस्या आ रहा है चाहे वो सॉफ्टवेयर लेवल का हो चाहे वो लोकल लेवल का हो, मैं यहाँ से रुद्रन साहब भी बैठा है, मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से भी अनुरोध करता हूँ कि क्योंकि ये मातृवंदना योजना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कोई भी दीदी गाँव में गर्भवती हो जाएंगे तो हम लोग को पहला किस्त उनको मिलता है। सर आपका सिमडेगा जिले में बहुत बहुत स्वागत है। सर जिले में समाज कल्याण की परिस्थिति को मैं ब्रीफ में बताना चाहूँगा। जिले में कुल 7 परियोजनाएं हैं जिसमें बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के साथ पर स्वीकृत है एवं इसके अगेंस्ट सिर्फ एक ही CDPO पदस्थापित है। शेष 6 परियोजना पर BDO और CEO प्रभार में है। कुल 36 महिला पर्यवेक्षिकाओं के स्वीकृत पद पर मात्र 16 ही कार्यरत हैं। कुल 965 आंगनबाड़ी केंद्र हैं जिसमें से सामान्य आंगनबाड़ी केंद्र 927 हैं एवं लघु आंगनबाड़ी केंद्र 38 हैं।
सुनौता एक आंगनबाड़ी केंद्र सरकारी भवन में एवं 64 आंगनबाड़ी किराए के भवन में संचालित है। जिले में विभिन्न स्कीम्स के माध्यम से 132 आंगनबाड़ी मॉडल के केंद्र को मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में बदल दिया गया है। उसके सौंदर्यीकरण कार्य कराया गया है। जिले के 5 कुपोषण उपचार केंद्र संचालित है, जिसमें कुल 50 बेड की उपलब्धता है। माह जुलाई एवं अगस्त 2021 को सर्च माह के रूप में या खोजो माह के रूप में आयोजित किया जा रहा है, जिसके तहत कुल 229 अति गंभीर कुपोषित बच्चों को चिन्हित किया गया है। आज की तिथि 5 तारीख तक कुल जिले में कुल 36 कुपोषित बच्चे इलाजरत हैं। कुपोषण उपचार केंद्र में डिस्चार्ज हुए बच्चे को लगातार आंगनवाड़ी केंद्रों पर आयोजित होने वाले BHSND कार्यक्रम में लगातार अनुश्रवण किया जाता रहा है और उन्हें स्वस्थ कराने के लिए सही योजनाओं के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। पर कुल 80,000 जांच कराया जा चुका है, जिसमें 13% मॉडरेट एनीमिया, 45% माइल्ड एनीमिया एवं अति गंभीर एनीमिया ग्रसित नहीं पाए गए हैं कोई भी। आयरन एवं फॉलिक एसिड के सिरप, नार, नीला तथा गुलाबी टैबलेट का भी वितरण उसी समय किया जाता रहा है। माह सितंबर 2021 में 2,00,000 एनीमिया जांच का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसे अक्टूबर 2 तक स्टडी रिपोर्ट के साथ सबमिट कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना सप्ताह 2021 में जिले में कुछ गतिविधियां को आयोजित किया जा रहा है, जिसके तहत परियोजना एवं आंगनवाड़ी स्तर पर प्रभात फेरी और रैली का आयोजन, परियोजना एवं आंगनवाड़ी स्तर पर गर्भवती माताओं एवं धात्री माताओं के द्वारा के लिए हमारे यहाँ तो हम लोग वही रिक्वेस्ट करेंगे कि सभी आंगनवाड़ी सेंटर में पोषण अभियान में अच्छी तरह से काम करें और हमारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का आज पहला सप्ताह का अभियान चल रहा है, जिसमें कोई भी लाभुक नहीं छूट है। जिनका जो फर्स्ट से सेकंड से थर्ड से मेंटेन करना है, हम लोग कोशिश करेंगे कि इस अभियान का दौर करेंगे और बाकी जो कुपोषित बच्चे को भी अलग से ध्यान देना है। कुपोषित बच्चा और अनियमित महिला और किशोरी बच्चे, हम लोग प्रयास करेंगे कि उनको जो है सही टाइम पर मदद मिले, ताकि हमारा राज्य में और सिमडेगा जिला में कोई भी कुपोषित बच्चे नहीं रहे। क्योंकि सर अभी उपायुक्त ने अपने संबोधन में बताया कि बहुत सारे प्रभार पर चल रहे हैं, ऐसे में कैसे काम होगा? तो इसका भी हम लोग इनके रिक्रूटमेंट अभी नहीं हुआ है, कम से कम कुछ कुछ हम लोग CDPOs को और सुपरवाइजर को यहाँ देने के लिए हम प्रयास करेंगे, क्योंकि सुपरवाइजर तो मैं खुद ही तुरंत दे सकता हूँ और CDPOs भी हम लोग राज्य हमारा मंत्री महोदय को और सचिव महोदय को बता रही है, इसके संबंध में कम से कम मिनिमम CDPOs रहे यहाँ जितना जल्दी हो सके। हमारा जिला हर कुछ में आगे रहता है, इसमें पीछे ना रह जाए प्रभार के कारण। जरूर हम लोग कोशिश करेंगे। शहरी क्षेत्र में कई ऐसे आंगनवाड़ी केंद्र हैं जो काफ़ी जर्जर स्थिति में हैं, तो आंगनवाड़ी केंद्र का मरम्मती के लिए भी, आंगनवाड़ी केंद्र नया बनाने के लिए भी हम लोग कुछ फंड दे रहे हैं। मैक्सिमम ज़्यादा नहीं दे पाएंगे कुछ, क्योंकि हम लोग भारत सरकार से भी मिलता है, स्टेट बजट से हम लोग देते हैं, तो पूरा राज्य को देखते हुए हम लोग दे देते हैं। हम लोग जिस हिसाब से डाउनलोड किए जिस हिसाब से अपना फंड जो है उससे भी हम लोग काम करते हैं। सेविकाओं को मोबाइल देने की बात कर रहे हैं, योजना कब से शुरू होगी? वो ऑलरेडी प्रोसेस चालू हो गए हैं, बहुत ही जल्दी हम लोग काफ़ी अच्छा मोबाइल मैं खुद उसको मॉनिटर करके देने का प्रयास। R9 भारत के लिए बसंत कुमार कश्यप की रिपोर्ट, सिमडेगा झारखंड से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R9 भारत। अब आप R9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ R9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें।